बीते 2 दिनों पहले टुडे हेडलाइंस चैनल द्वारा एक खबर को दिखाया गया था, जिसमें हल्का सुजानपुर के गांव मैरा की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। और आज महिला के ससुराल वालों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में लड़ाई पिछले काफ़ी सालों से चल रही है और बीते दिन पहले भी उनके घर में झगड़ा हुआ था, लेकिन उनकी ओर से उनकी बहू के साथ मारपीट नहीं की गई। उनके घर वालों ने बताया है कि उनकी बहू उनको काफ़ी परेशान करती है। उनकी बहू के द्वारा उनके ससुर के साथ मारपीट की जा रही थी। जब उसका पति उनको छुड़वाने के लिए आया तो छुड़ाते समय उसको चोट लग गई। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इनके घर में पिछले कई सालों से लड़ाई चल रही है और वे 5-6 बार फैसला भी करवा चुके हैं। मनजीत सिंह, पिंड मैरा। मेरा ब्याह 2009 च पिंड सरना होया, अते मेरी जनानी उसकी चैन चक्कर ठीक नहीं सी। अगे भी सानू परेशान करती थी, पर हुण इन्हें बहुत ही ज़्यादा अत चुकी ने। अते मेरे माँ प्यो तंग करी जी साड़ी, परसों चौथ से साड़ी झगड़ा साड़ा होया। मैं बाहर अपनी भेली च पट्टे पा रहा सी, मैनू पिछों बाजियां आई हैं बचाओ बचाओ बचाओ। जो मैं इनू आवाज सुन के अंदर आया तो मेरे प्यो नूं ते मेरी माँ नूं इन्हें रस्सी नाल बन्ने हुए सी। मैं फिर बचाण के छाडे छड़ाई बिच इनू इनू मैं चुक के पर सुटिया, ये बैड की धोड़ा सिर वज्जिया, ये सिर से थोड़ी सट लगी हैगी। बाकी सानू सर बहुत परेशान करती। बाकी मासी का मुंडा जिहड़ा भणवाल तो वह भी मेरे घर आया, उन्हें मैनू मारन की धमकी दित्ती है ना, उन्हें मैनू मारन की धमकी दित्ती है ना। कहिंदा वी तू जिथे मर्जी मैनू लभेगा भणवाल की पुलिस तक, तू सुजानपुर तक जाएगा तेनों मैं जानू मार देना, तो तेरे माता पितरों मैं जानू मार देना जी। बस इन्हें अगर मेरे भी वो बयान लो जी। तुम पुलिस कार्रवाई जी गए, फादर साहब मेरे गए ही पुलिस कार्रवाई ज, मतलब कि उन्होंने जो भी गलबात हुई कहते नहीं आई। बाकी मेरे फादर साहब के बयान ले लो, मेरे माता जी के बयान ले लो, जिन्होंने सफाई है मतलब कि। और ये इन्हें मेरे अं सुने खबर अखबार भी मेरे भरा, मेरा कोई भरा मेरा कोई भरजाई मेरे बच्चे नहीं आए, सिर्फ साढ़े तिना दिन गल हुई है और मैं इन्हों का बाद च बचा किया जी। ठीक है जी। सुनील सिंह जी, मेरी छोटी नूँ जोगिंदर कौर 3 तरीक न मेरे तो पैसे मंगन डे सी। मैं क्या मैं टेंशन नहीं मिली, मैं दे दा। इन्हें मेरा ना गला फड़ लिया, गला फड़ के मेरी वाइफ ने भी फड़ लिया रौला। मैंने कहा तेन मैं मार देना वा। इन्हें जो मेरा छोटा काका पट्ठे पांडे ही वह दौड़िया, उन्हें मेरा गला रस्सी पाई सी, मैं तुम्हें मार देना। मेरा छोटा बड़ा काका पंतलोक सिंह जी वो बिल्कुल इतने नहीं आए ना मेरी बड़ी नूँह आई। इन्हें जो बयान किए झूठे लिखे न, पिंड इनकुआरी की जाए। मैनू बार बार कहती है मैनू मकान बना दो, मैनू जांच हैगी है। हर महीने मैं इन 5-6 हज़ार दिना, इस वेले भी मैं 50 हज़ार का सोफा सैट लिया दिता। मैनू कहता मोबाइल लिया दो, मैं कला मगटाने वास्ते मोबाइल भी लिया इन्हों, पहले वो पैसे देने वाले हैं। सानू तंग करती है, मेरी जायदाद जी है मेरे पैली करो, मेरा मकान बना दो। मैं दसो मैं कितों बना, मैं 75-77 साल मेरी उम्र है, मैं फौजी रिटायर हाँ। और मेरे बच्चे मेरी वाइफ को कहते मारन की धमकी दी है बार बार, जो भी करती है बड़ा सानू परेशान करती है। एक दूजे नाल आती है जी, सानू कहते घरों बाहर निकलो बाहर निकलो। मैं दसो कितने जावा, मैं कई बार अपने पिंड पंचायत अपने मैंबर साहब अज तो 10 साल यही झगड़ा चल रहा, सानू बहुत परेशान करती। मैं तुम्हें मार के नहीं तो सुनना, मेरे बड़े संबंध हैं मेरे रिश्तेदार, बाकी सारे सरपंच साहब न पुछो जी। इन्हें कई बार राजनामा कराए न, और सानू इतों खतरा जोड़ा इन्हें बयान दिता सब झूठ है, अखबार में झूठ लाया जी, इतने पिंड इनकुआरी की जाए। धन्यवाद जी। मेरे नूँ रजविंदर कौर रोज सानू झगड़ा करती है सवेरे साढ़े नाल, बार कई बार रसोई च भी मैं किचन धक्के जाने पै जी है। उस दिन भी मैनू रसोई बाल भारी मार दी, तो मैं कहें पिछे हो जा मैं तेरे भारी मार देने। मैं अपने कमरे च चल गई, उत्थे भी मेरे मगर गई। बाद सरदार जी आ गए न, तो इन्हों दरवाजे उन्होंने कहा मैं पैसे दो, तो फिर इन्हों भी पै गई, हथों पै गई। तो फिर उन्होंने काफ़ी रोज़ ही झगड़ा उन्हें करना ही करना है जी। तो बाहर निकलो बाहर, काफ़ी बार सानू बाहर कड़ी शर्म के मारे गल नहीं करते पिंड च, भी चलो की बेइज्जती होंगी आपे सुधर जाएगी सुधर जाएगी।
दूसरा वो साढ़े कहन तो बहर है ना वो मुंडे पुछती है ना सानू पुछती है तो अपनी मर्जी ने ही चल जाती है वो इन्हों फ अंदरों कंध च ठाठी पाई रही गल चो वो करके मैं फिर रौला पाया तो मुंडा बेचारा बहर ही ये दौड़ता आया इन्हें फिर धक्का धुक्का दिता फिर छड़ाया सानू अं दो जीए घर कोई नहीं इतने होर वो भी रौला सुनिया तो फिर आया बार बार सानू हाथा एक बार बहुत बार इन्होंने पैंती मैनू भी पै जी है मैनू कहती मैं तेन मारना ही मारना मैं तेन करना ही करना है मैं इदा करना करना है अं 9 बजे उठती है 10 बजे अं उन्हें आवाज नहीं मार दे उठे ना उठे अपना अं रोटी पानी बनाने वो मर्जी करे झाड़ू पोचा लाँदी है उस तो बाद अं कुछ कह नहीं सकते मैनू नहीं कुछ कहना कहते मैं को तो घर की नौकरानी थोड़ी है तो जे अं सारा खर्चा करना है पूरा खर्चा भी दें पैसे भी उन्होंने देने अं महीने के पूरा बच्चों का स्कूल का सारा खर्चा अं चुके घर का भी जो भी है कपड़ा लीड़ा हर एक चीज़ दें उन सानू नहीं पुछती वो जम जाती है स्कूटर लेंदी है रोज़ निकल जाती है घरों कहते तुम कौन होते मेरे पुछण वाले तो माँ सानू धमके दी है भी मैं तो तुहानू कहना है तो सानू वो पुछती नहीं सानू नहीं पता राज कुछ जी कि 10-12 तो महीने ज अपने घर जी उ अं इन्ना खर्चा कितों करिए सानू धमके दी है कि यह समान बनाओ ये समान बनाओ उस वे सू नहीं बनाई उस वे सू फड़ ली गल दो तो कहते बहर निकलो बहर एक बार नहीं सू बहर क्या काफ़ी बार कभी रसोई से ताला ला दी है तो की कंप्लेन मेरा नाम सुरेश कुमार है जी जो कि पिंड मैरा के बोल रहे हैं तो माता जी मेरी कलश देवी श्री सरपंच है पिंड मैरे तो जो कि कश्मीर सिंह के घर कुछ कल या परसों के झगड़ा होया एक तो जो कि उन्हों का बेटा साढ़े घर आया उन्होंने दसिया कि जो कि साड़ी नूँह नाल झगड़ा होया तो हथों बही हुई है और उन्होंने डॉक्टर तो लेके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया तो जो कि उत्थे उन्होंने रिश्तेदार आके उन्होंने उत्थे फड़ के सिविल हॉस्पिटल लै गया तो कह रहे कि तुहाडे ते बंदी कार्रवाई पावांगे तो जिहड़ा कि इन्हां दे घर का झगड़ा चल रहा अज तो कोई 10 साल तो पहला ही चल रहा जी इहदे बारे काफ़ी बारी सानू हो गए 1.5 साल पंचायत बने दी नवी तो 5-6 बारी साढ़े कोलों आ गया इन्हां दा राजीनामा होया तो बार बार इन्हें घर झगड़ा हो रहा तो आप जरा यही अपील करांगे जो न्याय होगा वो जरूर करांगे जी रागी होम डेकोर Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली 100% मॉइस्चर प्रूफ 100% टर्माइट प्रूफ एक्सीलेंट वेदरबिलिटी साउंड रिड्यूसिंग फायर रिटार्डेंट रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters. Ward number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400-6113.